जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YT एजुकेशन में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि बिहार सिपाही भर्ती को लेकर 21,391 पद का एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट किया गया है। री एग्जाम इसलिए क्योंकि ये परीक्षाएं अक्टूबर महीने में 2023 में ली जा चुकी थी और वो परीक्षा रद्द की गई क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। क्या इस बार परीक्षा पेपर लेने में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं? परीक्षाओं में क्या बदलाव हो रहा है, इस जानकारी को लेकर हम आप तक साझा करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट की तरफ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मॉक टेस्ट आपके बिहार सिपाही से रिलेटेड, आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड है, वो हम आप तक पहुंचाने का इस चैनल के माध्यम से पूर्णतः प्रयास करेंगे। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं यहाँ पे कि ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये सभी जिलाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है, यानी कि एक मेमो है। मेमो यानी कि ये बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है। किसके द्वारा? तो CSBC ने मांग किया है कि हम इस परीक्षा को अब कंडक्ट कराने जा रहे हैं, लेकिन कब? चूंकि देखिए अभी इलेक्शन चल रहा है, तो क्या इलेक्शन के बीच में आपका ये डेट दिया जाएगा? नहीं, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी आपके पास समय है। कितना समय है? तो लगभग 2.5 महीना आपके पास समय है, यानी कि मान के चलेंगे 90 दिन से भी ज्यादा आपके पास समय यहाँ पे अवेलेबल है। 3 महीना के आसपास का जो समय है इस परीक्षा को देने को लेकर, क्योंकि आज देखिए 9 मई है और 9 मई को इसको अपडेट किया गया है और आपकी परीक्षा शुरू हो रही है 7 अगस्त से। जी हाँ, यहाँ पे ये पहला अपडेट है जो कि यहाँ पर अपटूडेट किया गया है। और ये बोला भी गया है कि यहाँ लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त को है। यानी कि देखिए पिछली बार जो परीक्षाओं की तिथि रखी गई थी वो मात्र 5 से 6 ही दिन में आपका खत्म कराया गया, लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है, पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि ये जो परीक्षा है 7 दिन लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव हुआ है कि इस परीक्षा का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि जो बैठने की आवासन की व्यवस्थाएं हैं, वो इनको जिलाधिकारियों को कब तक दे देना है? तो 20 मई तक कंप्लीट करके दे देना है उनको CSBC को। अब जो तिथियां दी गई हैं, इन तिथियों में आपकी परीक्षाएं होंगी। और तीसरा बदलाव आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ पर, थर्ड जो बदलाव है कि इस बार जो परीक्षाएं होंगी 2 शिफ्ट में कहीं किसी दिन परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षाएं आपको हर दिन एक शिफ्ट में ली जाएगी, जैसा कि ये मांग किया गया है। अब आगे चल के जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक साझा करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब आप देखेंगे 21,391 पद की ये बहाली की प्रक्रिया है, जहां पर आप लोगों का परीक्षा आयोजित करना है, जिसमें कि जो जिलाधिकारी है ना, जो भी जिला परीक्षा संयोजक बनेंगे अब यहाँ पे, यानी कि जो भी जिला पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पे एग्जाम कोऑर्डिनेटर का जो है अपडेट दिया गया है कि आप लोग यहाँ से जो है जिलाधिकारी बनकर जो है यहाँ पर अपडेट देंगे, एग्जाम कोऑर्डिनेटर बनकर अपडेट देंगे जो भी है। तो इन परीक्षाओं को साफ सुथरा तरीके से भी कराने का जिम्मेवारी इनको है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था यहाँ पे कि पिछली बार जो परीक्षाएं ली गई थी उन परीक्षाओं में कदाचार थे, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। EOU की टीम अभी भी लगी हुई है कि उन लोगों का नाम आए सामने, लेकिन देखिए अभी तक मैंने जैसा कि कहा था कि बड़ी मछलियों का नाम आना चाहिए, वो बड़ी मछलियों के नाम अभी तक यहाँ पे दिख नहीं रहे। लेकिन सभी जिलाधिकारियों को यह अपडेट दिया गया है कि इस बार परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, और ये एक पाली प्रस्तावित है, यानी कि हर दिन आपको एक ही पाली की परीक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके जिला अंतर्गत आयोजित जाने वाली लिखित परीक्षा अभ्यर्थी की अनुमानित संख्या को अनुलग्न कम है, संलिप्त किया गया। मैं आपको दिखलाऊंगा, नीचे अभी दर्शाया गया है, इनकी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाना है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। यहाँ से आगे चलते हैं, और ये जो चौथा अपडेट है कि देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि आपके दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव वगैरह में भी आपको सरकारी स्कूल में इसका सेंटर दिया गया, लेकिन इस बार नगरीय क्षेत्रों को ही चुनने का बोला गया कि नगर के क्षेत्र में जहाँ पे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन पेपर है वो ढंग से पहुंचाया जाए, कोई भी धांधली ना हो, जैमर वगैरह नेटवर्क की वजह से डिफॉल्ट ना हो यहाँ पे, है ना। तो इसको लेकर यहाँ पे एक बदलाव देखा गया है, यानी कि चौथा बदलाव आपको यहाँ पे ये देखने को मिला है। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालय के साथ साथ आपको गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया है, यानी कि इस बार जो है आपका सेंटर जो है प्राइवेट स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी में भी आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे विद्यालय या महाविद्यालय जहां पर पहले से जो विवादास्पद है, यानी कि
जहां पे कदाचार हो चुके हैं, पेपर लीक हो चुका है, वैसे परीक्षा सेंटर को, एग्जामिनेशन सेंटर को इसमें शामिल नहीं किया जाए, इस बात का यहाँ पे अपडेट दिया गया। ये भी एक बड़ा अपडेट है, बदलाव है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि सुरक्षित वातावरण में परीक्षा ली जा सके, इसका मतलब कि कहीं कोई धांधली ना हो उसको लेकर सुरक्षित बोला गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध है जहां कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सके। देखिए, ये सारी चीजें तो हर बार हर एग्जाम में कुछ ना कुछ अपडेट करके दिया जाता है, लेकिन जो छात्रों की मांग है इसलिए होती है ताकि उसमें सही में कोई गड़बड़ी ना हो। तो जो मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं, पहला चीज कि उस पर फोकस करना चाहिए आयोग को भी, कि जैसे एग्जाम खत्म हो तो OMR शीट भी इनको दिया जाए, जो कि कार्बन कॉपी होता है एग्जाम के बाद, है ना। उसके अलावा यहाँ पे बुकलेट दिया जाए छात्रों को, जैसे कि कोई छात्र बुकलेट ही लेकर भाग जाता है, वो कदाचार नहीं हो, उससे बचाव हो सके। और यहाँ आंसर की जारी किया जाए, जैसे एग्जाम खत्म हो उसके विदिन नेक्स्ट डे यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया जाए उसका। और यहाँ पे आंसर की जारी करने के बाद, ठीक है, कट ऑफ भी जारी करके दिया जाए, ताकि छात्रों को ये पता लग सके कि उनका कितना स्कोर हुआ है, कितने छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्कोर कर पा रहे, ताकि अगली जो बहाली है उसमें उनको सहूलियत हो सके और उनकी तैयारी उसमें अपनी लगा सके। और कट ऑफ ही नहीं बल्कि यहाँ पे उनको जो है आंसर शीट जारी करने के बाद भी आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया जाए, ताकि छात्रों को ये लगे कि हाँ, हमने जो क्वेश्चन सही किया है उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें और यहाँ पे उसका आंसर सही पता चले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन गलत होता है ना, उस क्वेश्चन को गलत ही छोड़ दिया जाता है, उस पर विचार नहीं किया जाता है और उसको गलत ही मान के उसका आंसर सही मान के नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इन सभी चीजों को आयोग को विचार करना चाहिए। और ये सारी चीजें दी गई हैं अपडेट करके दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे एक ढांचा भी दिया गया है, जो कि बिहार केंद्र और केंद्राधीक्षकों का मानदेय राशि यहाँ पे जो कि सभी को मिलता है ना, जो भी सेंटर पे एग्जामिनर बनते हैं उनको यहाँ पे उसका भी खाका तैयार करके देना है इन लोगों को, और IFSC कोड के साथ आपको जो है मोबाइल नंबर उनका देना है। ये सारे काम जो है जिलाधिकारियों को सौंपे गए हैं, इसमें लिखा गया। अच्छा, विदित हो कि लिखित परीक्षा संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों और कर्मियों को दिया जाना मानदेय इसको लेकर दिया, यानी कि उनको जो भी है, जो भी सेंटर पे बनेंगे एग्जामिनर उनको पैसा दिया जाए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उनका PID भी मांगा गया है, उसकी जानकारी यहाँ पे उनको भर के देनी है। परीक्षा जो है आपका 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त को एक पाली को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र बनाना है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है इस बार कहीं इस चीज को लेकर, कि देखिए बार बार क्या होता है, दो शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो पहले शिफ्ट में परीक्षा होती है उसको लेकर प्रेशर ज्यादा बना रहता है अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी, कि कहीं दूसरे शिफ्ट का पेपर ना लीक हो, उसको ध्यान में रखकर इसको एक पाली में शिफ्ट लिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी अपडेट की देखिए, 20 मई तक इन सबका व्यवस्था जो है क्लियर करके मांगा गया है, जो कि बोला गया कि इनके जीमेल ID पर भी ये भेज दिया जाए और भेजने की कृपा करी जाए और लिखित परीक्षा संपन्न कराई जा सके। तो ये एक प्रस्तावित तिथि दे दी गई है दोस्तों, एग्जाम डेट आउट कर दिया गया, ऑफिशियल अपडेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नए जो परिषद के अध्यक्ष हैं उनको उनका सिग्नेचर है, और ये एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि यहाँ पे साझा कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब जो सेंटर्स दिए गए हैं ना, वो जिला वाइज दिया गया है कि इन जिले में कितने बैठने की व्यवस्थाएं हैं, पालीवार वंचित सीटें जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 35,000 बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर अपडेट दिया गया है पटना में, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। नालंदा में 20,000, गया में 25,000, जहानाबाद में 7,000। क्योंकि क्या है कि इनको जो सेंटर बनाना है, एग्जामिनेशन सेंटर जो देना है, वो नगरीय क्षेत्रों में ही देना है, ताकि जहाँ पे आराम से जो है हर चीज की व्यवस्थाएं की जा सके, जैमर की व्यवस्थाएं या क्वेश्चन पहुंचाने की व्यवस्थाएं, तो उन सभी चीजों को लेकर ये जो है पालीवार यानी कि जो शिफ्ट वाइज जो है आपका वांछित सीट का व्यवस्था यहाँ पे किया जाए। तो इस स्थिति में ये चीज यहाँ पे लिस्टेड किया गया। तो कुल 4,86,000 छात्रों का बैठने का यहाँ पे अपडेट दिया गया, एक पाली का ये अपडेट है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अप टू डेट करके दिया गया। तो ये जानकारी है दोस्तों। अब आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक चीज और हो सकता है कि ये अगर व्यवस्थाएं बढ़ी, चूंकि छात्रों की संख्या 18 लाख के आसपास है, तो ये तो व्यवस्थाएं एक पाली की हो गई, तो क्या दूसरे दिन उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी? तो हो सकता है कि ये सेकेंड पाली भी आपका यहाँ पे दिया जाए, उसका भी लिस्ट दिया जाए। तो ये कुछ भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो निकल कर सामने आएंगी, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि हर दिन आपका कितने शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है। लेकिन एक शिफ्ट में ये एग्जाम होता तो ये शायद अच्छी चीज होती यहाँ पे,
और एक दिन में एक ही एग्जाम होता, एक शिफ्ट में एक ही एग्जाम होता, और ये चीजें हैं यहाँ पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से तो हमने सारी जानकारी आप तक साझा कर दी है। आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ वाइटी एजुकेशन पे, जहाँ पे आपको रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है और टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। और आप हमारा एजुकेशन की का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कि जो कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये PDF जो है मैंने शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। जय हिंद।